हिंदी सिनेमा के इस महान कलाकार ने अपने अभिनय से साबित कर दिखाया कि कला चेहरे से नहीं मापी जा सकती। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिनेता पंकज कपूर साहब की। इनका जन्म 29 मई सन 1954 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। ये एक शिक्षित परिवार में जन्मे थे। इनके पिता उस जमाने में डबल एमए थे, इसलिए बेटे पर भी पढ़ाई का दबाव था। पंकज वैसे तो पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार थे। स्कूल और कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया, लेकिन एक इंजीनियर कब बेहतरीन कलाकार बन गया, ये किस्सा भी दिलचस्प है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद पंकज ने अपने पिता से अपने दिल की बात खुलकर कही, बताया कि वे कलाकार बनना चाहते हैं। तो फिर क्या था, पिता ने कहा, तुम अगर ये करना चाहते हो तो करो, लेकिन अपनी कला को परिपक्व जरूर करो। फिर क्या था, पंकज ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और FTII में अप्लाई कर दिया, लेकिन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पंकज की शक्ल देखकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वहीं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने पंकज को खुले दिल से अपनाया और उन्होंने यहीं से अपनी एक्टिंग के हुनर को समझा और परखा भी। पहली बार दुनिया ने पंकज कपूर को सन 1982 में रिलीज हुई फिल्म गांधी में देखा था। इस फिल्म में पंकज ने गांधी जी के दूसरे सेक्रेटरी प्यारे लाल का किरदार निभाया था। साथ ही सर रिचर्ड की इस फिल्म में पंकज ने गांधी जी के हिंदी डायलॉग्स की डबिंग भी की थी। इसके बाद पंकज कपूर ने महान निदेशक श्याम बेनेगल के साथ काम किया और फिल्म थी आरोहण, जिसने पंकज कपूर की ख्याति को और आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बावजूद भी पंकज को तंगहाली का सामना करना पड़ा और न चाहते हुए भी पंकज ने टेलीविजन धारावाहिक जासूस करमचंद का रुख किया और इस सीरियल ने मानो पंकज कपूर को और भी बेहतरीन कलाकार बना दिया और उनका काम चल पड़ा। साल 1979 में आई फिल्म राख और 90 की फिल्म एक डॉक्टर की मौत के लिए पंकज को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। पंकज की कुछ यादगार फिल्मों पर नजर डालें तो मणि रत्नम की फिल्म रोजा, कुंदन शाह की फिल्म जाने भी दो यारो और मकबूल जैसी फिल्में शामिल हैं। पंकज कपूर साहब के निजी जीवन की तरफ देखा जाए तो पता चलता है कि उन्होंने दो शादियां की। पहली शादी अभिनेत्री नीलिमा आजमी से, जिनसे उन्हें एक बेटा है जिसका नाम शाहिद कपूर है और वे बॉलीवुड का एक बेहतरीन कलाकार भी है। पंकज की दूसरी शादी जानी मानी अभिनेत्री सुप्रिया पाठक से हुई है, जिनसे उन्हें दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हैं। पंकज कपूर साहब हिंदी सिनेमा के उन महान कलाकारों में शुमार है जिन्होंने पैरलर सिनेमा के उस दौर को भी देखा, कॉमर्शियल सिनेमा को भी जिया और टीवी जगत को भी जगमगाया। पंकज कपूर के विशेष योगदान को हिंदी सिनेमा हमेशा याद करता रहेगा। स्पेशल रिपोर्ट, टीम इंडियन फिल्म हिस्ट्री।